तो अभी मंजिल जो है वो थोड़ी दूर हो गई है, संयम बरतना होगा, और जाहिर सी बात है जब आपने चांद के पार जाने की भी सोच रखी हो तो जो तमाम हर्डल्स हैं वो बड़ी होंगी, चुनौतियां होंगी, लेकिन आपको अगर जीरो एरर रखना है तो कहीं ना कहीं संयम भी बरतना होगा। दीपक, दुर्घटना से देर भली ये कहा जाता है। और वाकई पेनाज ने एक बात बोली थी, लेकिन मैं थोड़े लाइटर मूड पे आपको एक और बात को बोलना चाहूँगा। आपका, मेरा और यहाँ पैनल पर जो लोग गंभीर चेहरे बनाकर बैठे हुए हैं, पेनाज भी निराश है, मैं भी निराश हूँ और स्पेस सूट को उतारने का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ी कोफ्त हो रही है थोड़ा इससे। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और हमारे जो लिरिक राइटर्स थे, हमारे जो गीतकार थे, वो बहुत पहले ही देख चुके थे चलो दीदार चलो चांद के पार चलो, ये पहले ही देखा जा चुका था। तो इस बात की संभावना है और इस बात की संभावना बनेगी कि हमको चांद के पार जाना है। लेकिन चांद की खूबियों पर अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ सोने का एक बहुत बड़ा भंडार हो सकता है। विनाद जी आपके लिए और पूजा जी आपके लिए, सोने का भंडार मिलेगा वहाँ पर, ये अनुमान कैसे लगाया गया है? देखिए, अभी जो इस चंद्रयान 2 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सोने का भंडार खोजना अपना ऑब्जेक्टिव कभी नहीं रहा। नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन या उसके बारे में एक अनुमान किया जाता है कि वहाँ सोने का एक बहुत बड़ा भंडार हो सकता है, ये मतलब ये मिथ है, मतलब जैसे हमारे मंदिर में सोना मिलने वाला था, कोई एविडेंस तो नहीं दिखा। सोना कहीं ना कहीं मिनरल से रिलेट किया गया था कि अगर हमें मिलेंगे तो अपने आप में खजाना है, अगर मंगल तक पहुंचने के लिए हम वहां पे बेस बना पाएंगे तो भी अपने आप में खजाना है, क्योंकि अगर हम एल्युमिनियम मैग्नीशियम वहां पे होने का चांसेस है साउथ पोल के पास। और सोने का खजाना आप दूसरे तरीके से सोचिए कि जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था वो सोने का कीमत का है। नाथ साहब, मैं आपसे एक छोटी सी चीज समझना चाहूंगी, आप तीनों से ही, इनफैक्ट हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई जब जैसे ये स्टेटमेंट आई है, कंधे झुके हुए हैं, जो जुबान में जोश था, नींद कहीं आंखों में दूर दूर तक नहीं थी, सुबह का इंतजार था कि कैसे सुबह होगी और मतलब तस्वीरें आएंगी। वैज्ञानिक जिन्होंने 10-10, 15-15 साल इस मिशन पे काम किया है, आज की रात उनके लिए कैसी हो सकती है? क्योंकि आप शायद जितना विज्ञान के मैं करीब नहीं हूँ, आप लोग उसके एक्सपर्ट्स हैं, तो शायद आप मुझसे ज़्यादा करीब हैं, तो इसलिए सवाल आप लोगों के सामने रख रहे हूँ। देखिए, थोड़ा निराश तो डेफिनेटली होंगे ही, निराश तो हम लोग भी हैं, तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि इससे रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है जिससे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारा बिल्कुल सही रहे और सक्सेसफुल रहे। नाथ साहब, ऐसे में कितना इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि जो आपके लीडर हैं यानी कि सिवान साहब के पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि आप कहीं ना कहीं डिसहार्टन भी फील कर रही है आपकी टीम, डिमोटिवेटेड भी फील कर रही होगी, तो उस टीम का मोटिवेशन भी अपलिफ्ट करके रखना है ताकि वो इस निराशा में ना जाएं और दूसरे प्रोजेक्ट्स पे पूरी एनर्जी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहें, यानी कॉन्फिडेंस भी शेक नहीं होने देना है। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जो भी इसरो साइंटिस्ट के पास है उसमें अभी का जो डेटा है चंद्रयान 2 का, जो भी डेटा अभी तक आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, वो काम में तो आना ही है, तो निराश होने का ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। जैसे कि गगनयान का जो प्लान है वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डिवेट करेंगे इसके लिए जो है, तो ऐसा निराशा होने का, तो शॉर्ट टर्म निराशा हो भी सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में कोई इसको इफेक्ट करने वाला मुझे है। आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बातें वहाँ कहीं, जिस तरह से वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई, खुद मुस्कुरा रहे थे, वो मुस्कुराहट उनके लिए भी आसान नहीं होगी। फिर नीचे उतर कर आए, पहले चले गए थे, फिर नीचे उतर कर आए, फिर ऊपर मुस्कुरा रहे थे, फिर पीठ थपथपाई, फिर आके बातचीत करी, फिर बच्चों से बातचीत करी, तो ये कितना एक रिलीफ वहाँ साइंटिस्ट को देकर गई होगी कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है कि आपने जल्दबाजी कर दी, बल्कि कहा जा रहा है आपने तो बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, अगली की तैयारी करो। बिल्कुल, मतलब इसको अगर हम एक गलत वे में ना लेके एक अच्छे वे में देखें कि पहली बार में इतने कम अमाउंट में तुम वहां तक पहुंच गए, तो अगली बार तुम कहां पहुंचोगे, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे, कहीं ना कहीं मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो रिएक्शन था, क्योंकि वो भी इस बात को समझते हैं कि पहली बार अगर कोई ऐसा कोई मिशन होता है तो आती हैं प्रॉब्लम्स, हर जगह आती हैं। मतलब अगर मैं चेयरमैन की बात करूँ इसरो के, बींग द हेड ऑफ द एंटायर टीम, पूरे टीम के पूरे हेड है वो, कहीं ना कहीं टीम से ज़्यादा दुख उनको हो रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे टीम की एक्सपेक्टेशन, सारी चीज़ों का मेन जो हेड है वो वही कर रहे हैं,
तो उनको वही वो मोटिवेट करना है कि यार इस बार 2.1 किलोमीटर रहे, अगली बार वो भी नहीं रहेंगे, तो वैसे उसी तरीके से मोटिवेट किया जाएगा। बिल्कुल पूजा, और हमने जो सोने की बात की थी उसका मेरा संदर्भ रेयर अर्थ मेटल से भी था और साथ ही साथ हीलियम 3 से भी था। हीलियम 3 जिसको क्लीनेस्ट एनर्जी का सोर्स माना जाएगा, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होगा और ये माना जाएगा कि आगे भविष्य उस पर ही टिका है। इस हीलियम 3 के बारे में बताइए जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मिल सकता है वहाँ पर। अगेन जैसे हमने बोला था कि सोने का खजाना है वहाँ पर, हीलियम 3 की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जब चंद्रयान 1 हमारा गया था वहाँ पर और जब हमने बोला था हमें वाटर का, हमें पानी के ट्रेसेस मिले हैं वहाँ पर, पता लगा कि शायद वाटर है, तो उसी के दौरान हमें ये भी पता लगा था कि उस एरिया में, क्योंकि हमने कभी वो एक्सप्लोर नहीं करा है, तो ये भी पता लगा था वहाँ पर बहुत सारा मिनरल भी हो सकता है। तो हीलियम 3 की जब हम बात करते हैं तो हमारे आगे फ्यूचर में अगर हमें वहाँ पर वो मिल सकता है तो कहीं ना कहीं वो फ्यूल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अभी के डेट में अगर हम नॉर्मल फ्यूल्स की बात करें तो हमें भी पता है कितना पोल्यूशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ्यूल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ऑफकोर्सली खजाना ही है वो एक तरीके से। चलिए, तो बहुत कुछ अभी पार करना है, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहूंगा, बड़े लाइटर मूड पे मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि देखिए चाइना भी वहां पे जा रहा है, नॉर्थ पोल पे पहुंच गया, अमेरिका भी पहुंच गया, रूस भी पहुंच गया, हम भी 2.1 किलोमीटर दूर है, बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। मैं ये समझना चाहता हूं कि वहां पर अगर माइन निकल गई या सोने के तौर पर हीलियम 3 निकल गया तो सबसे पहले वहां माइनिंग कौन सा देश करेगा, किसका राइट बनेगा वहां पर, मुझे बताइए, इसका जवाब दीजिए। जो पहुंचेगा बताइए मुझे, ये तो बड़ा लॉजिकल सवाल है मेरा, ये इसका जवाब वैज्ञानिक दे सकते हैं। अभी मैं कॉर्पोरेट लॉयर या फिर यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल फोरम पर जाने की बात नहीं करूंगा, अगले हफ्ते जाऊंगा वहां पर। कहीं ना कहीं जो आर्टेमिस लॉन्च होने वाला है, बट वो भी 2024 तक हो रहा है, 24 तक हो रहा है, अगर उससे पहले कुछ और लॉन्च नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये वाला मिशन उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, टाइम कम है, उनको पता है क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि इसराइल ने भी करी है, इंडिया के साथ भी हुई है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए, तो अब यहाँ पर कौन करेगा ये तो किसी ने बताया। अच्छा, बताइए, आप ही बताइए, आप ही का सवाल है, आप ही जवाब दीजिए, हमने हार मानी। जो जीता वही सिकंदर, जो पहले पहुंच गया सर ने कहा वैसे। हाँ। चलिए, तो जो जीता वही सिकंदर, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, मतलब कुदाल और फावड़ा लेकर जाएगा, जीत थोड़ी दूर रह गई हो, ये भी अपने आप में जीत है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि निराशा को हावी नहीं होने देना है, पूरा देश आपके इन एफर्ट्स का सम्मान करता है, आपका काम काबिले तारीफ है और पूरा देश आपकी इस उपलब्धि पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, आपका सम्मान हमेशा है और आपकी इस कामयाबी के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और एक लाइन में कहना चाहूंगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमने कोशिश की है और ये भी हमारी एक जीत है।